हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही स्पेशल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। फाइनली मुझे ये फ़ोन मिल गया है जिसका नाम है रेडमी नोट 4, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। और मुझे जो वेरिएंट मिला है जो बहुत इजीली नहीं मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा वेरियंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेडमी नोट 4, 4GB रैम, 64GB इनबिल्ट एंड इन ब्लैक कलर। सो ये वाला जो है वो मैंने कैसे परचेस किया है उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो राइट नाउ हम लोग इसका बहुत ही जल्दी से एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर बॉक्स का ओवरव्यू दूं तो कुछ एप्पल का बॉक्स, अगर आप देखेंगे कि एप्पल आईफोन का जो बॉक्स आता है कुछ उसी तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर साइड में आपको रेडमी नोट 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर MI का लोगो है, सेम दोनों तरफ वैसा ही दिया गया है। और एक हल्का सा 4 आपको यहाँ पर दिखेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट डिज़ाइन है बॉक्स का। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से और एक बार मेंशन किया हुआ है 4GB रैम एंड 64GB इनबिल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया वाला है, मतलब ये इंडियन वर्जन है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड ईयर है वो है अप्रैल 2017। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इस बॉक्स को ओपन कर चुका हूं और मैंने ऑलरेडी इसे यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर ये सील मिलेगा। अगर आपको ये ब्रेक मिलता है तो आप इसे परचेज़ ना करें। और अब मैं यहां पर इसे ओपन कर लेता हूं, तो कुछ ओपन इस तरीके से ये होगा। और सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो आपका यूनिट मिलेगा रेडमी नोट 4। तो इसे हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये जो आप वर्जन देख रहे हैं वो ब्लैक कलर है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए फ़ोन को हम लोग साइड में रख देते हैं और आगे बॉक्स कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स कंटेंट आपको, तो आपको बॉक्स में कुछ ये वारंटी स्टेटमेंट एंड एक्सेसरीज की वारंटी का जो स्टेटमेंट होता है वो मिलता है, एक छोटा सा यूज़र गाइड मिलता है। इसके बाद आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉक्स कंटेंट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको एक वॉल यूनिट मिलता है, इसका चार्जिंग यूनिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आउटपुट है वो 5W 2A है। और ये यूनिट मुझे सही में बहुत अच्छा लगा, भले ही ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता पर ये यूनिट काफ़ी इजी है कैरी करने के लिए। ये जो डिज़ाइन है कुछ ना कुछ एप्पल से ही मतलब लिया गया है, पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और इसके साथ आपको यहाँ पर मिलता है ये इसका माइक्रो USB केबल, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप्स के साथ इसे सिंक करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं केबल की क्वालिटी अच्छी है। इसके साथ आपको यहाँ पर ये एक, यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिलता है। तो बस इतना ही मिलता है हमें बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आपको अनफॉर्चुनेटली जो हेडफोन है वो नहीं मिलते हैं। तो ये जो मैं यूनिट मैंने परचेस किया है उसके बारे में तो मैं वीडियो आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे परचेस किया है। अभी तक जितना मैंने यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राइट नाउ रेडमी नोट 4 है जो 6.0.1 मार्शमेलो पे चल रहा है। और यहाँ पर मैंने अपडेट पे रखा हुआ है, मेरा जो सिस्टम अपडेट है वो यहाँ पर चल रहा है, तो कुछ ही देर में वो भी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 4GB रैम वाला वर्जन है और 64GB इनबिल्ट है। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पे चलने वाला डिवाइस है, जिसकी स्क्रीन साइज है वो 5.5, फुल HD डिस्प्ले है IPS पैनल के साथ जो आती है। इसके साथ उसका जो रियर कैमरा है वो 13 MP का कैमरा है। 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा विद ब्यूटिफिकेशन मोड, जो कि काफ़ी अभी वीवो और ओप्पो में चल रहा है, पर आई डोंट सजेस्ट टू यूज़ दैट मोड क्योंकि वो फोटोज़ को बहुत ही ओवर एक्सपोज कर देता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है, मेटल यूनिबॉडी है, 4000 mAh की बैटरी है इसके अंदर। और आपको यहाँ पर MIUI सिस्टम मिल जाता है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स इसके मिलते रहेंगे। तो अगर आप बात करें फ़ोन की तो फ़ोन का अगर एक छोटा सा ओवरव्यू ले लें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में टच कीज़ मिल जाती है। इसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर ईयरपीस का सेंसर है, इसके बाद यहाँ पर ईयरपीस है, उसके साथ नीचे यहाँ पर कैमरा है
ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, उसी के साथ IR ब्लास्टर मिल जाता है और एक यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है आपको। तो इसी के साथ अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, इसके साथ आपको वॉल्यूम रॉकर्स की मिल जाएगी। पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्लीक डिज़ाइन मिलती है, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको फ्लैश मिल जाएगा और उसके ऊपर आपको कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पर जो ये चाइनीज़ वेरिएंट था उसमें आपको दोनों ही ये पोर्शंस आपको मेटल में मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ यही पोर्शन मेटल का है और ये दोनों प्लास्टिक आपको मिलते हैं। यहाँ पर एंटीना बैंड्स दिए गए हैं और इस तरफ आपको सिम ट्रे मिल जाएगी। तो अब अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो आपको देने वाला हूँ, पर अभी के लिए क्विक कंपैरिजन अगर करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मेरा ये जो डेली ड्राइवर था, जो मेरा मोटो जी 4 प्लस था, उसी के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का आपको ये फ़ोन मिलता है। और एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो भी मैं इसका शॉर्टली बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दे दीजिए, नीचे कमेंट करना ना भूलिए अगर आपको कोई भी कमेंट या फिर क्वेरी है तो, और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।